हाँ तो भाई फ्रेंड, तो भाई लेटरिंग वेटरिंग करके आ गया बाहर से, तो मोबाइल छोड़ो के भाई। आए आज पढ़ाई है, स्कूल है? ओ पढ़ाई छुट्टी है, पेपर पेपर है। तो चलो भाई फटाफट खाना ना बन जाए। आज यार त्यौहार था और त्यौहार के दिन पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। हाँ आज गुड़िया है ना, कितने देर पढ़ाई होगी? हाँ पेपर आ देखो 12 बजे। चलो फटाफट लाओ फिर खाना वाना बन जाए। मम्मी जब तक झाड़ू लगाती हैं और साफ सफाई हो जाएगा, हम लोग बाहर कर लें साफ सफाई। मम्मी फटाफट खाना बना लेती हैं। बहुत ठीक है, मोबाइल सुबह सुबह ना छोड़ बेटा, तसा दे ये कर दे, दाम जो बचा खा लिए, जाके अंदर दे दिया अंदर से खिसका दे ऊपर, खा लिए सर। नीचे से पकड़ा बेटा, नीचे से। हाय दोस्तों, आप लोग सब ठीक हो? मैं जा रहा हूँ झगड़े चलाने, मेरा सब झगड़िया पुकड़िया सब जा रहे हैं, बंधे रहे हैं, हम कहीं खोल दिए चरिया में। देख सकते हो मेरे झगड़िया कैसे चल रहे हैं। और पाती तो बोल रहे हैं साहिब जी, यही सनक तूरा जाए महुआ हिलावा जाए। फाइनली हम बकरी लेके आ गए थे सुबह खाना वाना खा के, क्योंकि भाई आज हमारे यहाँ त्यौहार है गुड़िया, और कहीं जा भी नहीं सकते आज हम लोग। थोड़ा आज गांव में पाल्टी पुल्टी करेंगे, क्योंकि अखाड़ा कूदेंगे और कबड्डी होगी, जो लोग देहात में रहे होंगे उनको मालूम होगा। तो हम लोग सोचे कि चले सुबह सुबह आज बकरियों को चरा के ले आते हैं, क्योंकि दूसरी टाइम से कहीं नहीं जाना है। तो अभी इसमें पाते तोड़ रहा था तो कोई खा नहीं रहा था, तो अभी सामने पेड़ बहुत हैं तो जिसमें मतलब नुकसान नहीं है जिस पेड़ में उसमें हम तोड़ लेंगे, ताकि वृक्ष को कोई नुकसान ना हो भाई। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत पत्ता खिला देते हैं, क्योंकि अभी गूलर में कोई नुकसान नहीं है तो गूलर का पत्ता खिला देंगे। तो बकरी देख सकते हो पीछे आ रही है। तो हम लोग भाई आज पहली बार बकरी चराने निकले हैं, तो देखता हूँ हमारी बकरी आएंगी नहीं आएंगी। आ आ ले आ आ आ आ अभी दौड़ के आ रही है। आ आ आ तो भाई अभी प्रिंस की मम्मी जा रही हैं, किसी में तोड़ेंगी, इसमें खाएंगी। इसका पत्ती थोड़ा पुराना है, जो नया है उसका नहीं खाती। और देखना बहुत लेटरिंग किए हैं इधर लोग बैठ बैठ के, तो बच के हाँ आना बच के। तो भाई सारी बकरी आ गई, और ये है भाई, ये है गिरा पत्ता और दौड़े खाने लगी। भाई इनका पत्ता बहुत ज़्यादा बकरियाँ खाती हैं, अभी देखो तोड़ रही है पत्ता, किस तरह बचा के तोड़ना भाई। और बादल बहुत तेज़ है, आ, आ, ले, वो धान खा रही है वहां पे। शाबाश 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 शाबाश। ओयो अभी तो तुम काट देती मेरी बकरियों को ही, क्या हुआ? ले तुमसे नहीं बनेगा, मैं तोड़ता हूँ। बहुत काट के चुप लो। तो देखो मेरे छगड़िया कैसे खा रही हैं, ये भूखे हैं, इनको सुबह सुबह भूसा दिया था, खाएं गेहूँ खाएं फिर भी इनके पेट नहीं भरा, जुटी हैं खाने में। पी लो भाई पानी, पी लो पी लो पी लो, अभी ये इधर खा रही हैं, खा लो खा लो खा लो। अभी भाई मैं घर पे आ गया, और पत्ती वत्ती देख सकते हो किस तरह मलकिन लेके आ रही हैं। किस गाड़ी से उतरी हो? हाँ बड़ा, कहाँ वाली, लुधियाना वाली कि अमृतसर वाली? अभी इधर भी पत्ती खा रही हैं भाई, इनको ले जाके इधर ही खाने दो। और ये चारों तरफ बिखरी हुई है छिड़िए, और भाई वहाँ धूप बहुत तेज है, बहुत बुरा हाल है भाई। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग तैयार होके भाई निकल पड़े हैं, और जैसा कि हम बता रहे हैं कि भाई आज फगुई है, और सॉरी दोस्तों आज गुड़िया है हमारे यहाँ, तो त्यौहार बहुत बढ़िया होता है आज के दिन। तो हर कोई अपने ससुराल, अपने मायके, अपने भाई माँ के घर जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं भाई तैयार होकर, क्योंकि प्रिंस नहीं जा रहा है, और घर पर बहुत ज़्यादा बकरी है, 8-9 बकरी हैं, तो उनका देखभाल भी करना पड़ता है, तो इसलिए प्रिंस नहीं जा रहा है। और कल सुबह उनका पेपर भी है 7-8 बजे का, और वो जाता तो मतलब टाइम से आ ना पाता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उनको लेके। और चलता हूँ दोस्तों अभी फटाफट, क्योंकि अभी रास्ते में है और मौसम बहुत प्यारा भाई,
तो अभी देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो चलते भाई फटाफट हम लोग। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं घर पहुंच गया भाई अपने ससुराल। और अभी देख सकते हो मैडम जी कपड़ा वपड़ा चेंज करके रेडी हो गई और भाई पिताजी इधर लेते हुए भाई साइड में। तो देखता हूँ क्या बन रहा है घर के अंदर, क्योंकि पूरा अंधेरा अंधेरा है और लाइट आई हुई है। तो भाई ऐसा कुछ घर दिखता है भाई। तो देखता हूँ क्या बन रहा है खाना पीना में। और भाई ये देसी स्टाइल में बन रहा है, ये है घर का चूल्हा और ये मैडम जी बना रही हैं। और विमल कैसे हो? अच्छा है। क्या बन रहा है भाई? सब्जी चावल और रोटी बन रहा है। तो भाई यहाँ पर भाई थोड़ा अंधेरा अंधेरा है और भाई पूरा टीना वीना देखते तो काला काला हो गया है। तो भाई घर में बहुत अंधेरा था और अभी बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और भाई जब इधर आता हूँ तो बहुत अच्छा नज़ारा इधर का दिखता है, जो मतलब चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। तो जो हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।